नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में हालात बेहद भयावह हो गए हैं। पीटीआई के कार्यकर्ता बेखौफ सड़कों पर उड़दंग कर रहे हैं। देश में कई जगहों से आगजनी और लूट खसोट की खबरें भी आई है, जिसने पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू होने की घंटी बजा दी है। वहीं पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने भी खतरे को भांपते हुए देश भर में लोगों को समूह के रूप में खड़ा होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के कार्यकर्ता बेकाबू नजर आ रहे हैं और वे इमरान को तुरंत रिहा करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अल्लाह की इनकी इनकी जो है ना, इनकी हुकूमत बचे, ये लोग खुद भी बचे, ये खुद देखेंगे कि इनका हम हाल क्या करेंगे। इंकलाब हम लाएंगे। हम इन लोगों ने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है, हम इनके घरों में, ये बिलाउलाउस नहीं बचेगा, ना इनके जो है, इन लोगों ने जो अपने घर बनाए ना नाजायज घर, ये भी नहीं बचेंगे। इन लोगों की जिंदगी आजाद बने। अमेरिका के गुलामों, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमारे कप्तान को छोड़ दो, नहीं तो खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान को। आपको बता दें कि शहबाज सरकार और सेना को कई दिनों तक चकमा देने वाले इमरान खान अरेस्ट कर लिए गए हैं। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां करीब 3 बजे पाकिस्तानी सेना से जुड़े रेंजर्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इमरान खान को एक तरह से घसीटते हुए रेंजर्स अपने साथ ले गए। कहा जा रहा है कि इस वक्त हिरासत में इमरान की तशरीफ लाल की जा रही है। इससे पहले बड़बोले इमरान ने कोर्ट जाने से पहले पाकिस्तानी सेना को खुली धमकी दी थी। इमरान खान ने देश की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक आला अधिकारी के खिलाफ भी बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। अब मदरसा कौम को डर सता रहा है कि देश में राजनीतिक हिंसा का जो दौर शुरू हुआ है, वह गृह युद्ध में तब्दील हो सकता है और इसको रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना देश में मार्शल लॉ लगा सकती है। खास बात यह कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान को बचाव की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सेना के इशारे पर ही काम करती है। बताया जा रहा है कि इमरान खान को भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार किया गया है। इमरान पर अल कादिर ट्रस्ट में हेरफेर का आरोप है। दिलचस्प बात यह कि इमरान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने अरेस्ट किया है, जो कि एक अर्ध सैनिक बल है। इस्लामाबाद में माहौल खराब होने के खतरे को देखते हुए इमरान की पार्टी के 80 से ज्यादा समर्थकों को कश्मीर हाईवे से गिरफ्तार किया गया है। वहीं इमरान की गिरफ्तारी से भड़की पीटीआई ने अपने समर्थकों से लाहौर के जमा पार्क में जुटने की अपील की है। जमा पार्क में इमरान खान का घर है, लेकिन यहां भी पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स ने नाकेबंदी करनी शुरू कर दी है। लाहौर इस्लामाबाद में आगजनी और तोड़फोड़ को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है, पर लगता यूं है कि अब पीटीआई कार्यकर्ता काबू से बाहर हो चुके हैं। मदरसा मुल्क में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इमरान की गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वहीं अब राजनीतिक हालात भी अस्थिर हो गए हैं। पूरे मदरसा मुल्क में भय और घबराहट का आलम बना हुआ है। खासकर इमरान खान की अटैक फोर्स लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रही है। देश भर में कई मुख्य मार्गों को जाम कर दिया गया है। इमरान के समर्थक भारी तादाद में घरों से बाहर निकल आए हैं और सेना के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। कई जगहों पर सेना और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच सीधी झड़प भी हुई है, जिससे पाकिस्तान के हालात और भी संवेदनशील हो गए हैं। वहीं पुलिस का साफ कहना है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट है कि पाकिस्तान के आने वाले पल बेहद गंभीर होने वाले हैं। अगर इमरान खान रिहा नहीं हुए तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी। पर देखने वाली बात यही होगी कि सेना और सरकार इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि यह पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा संकट है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।